सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि क्लास 9th और क्लास 10th का स्टूडेंट फेस करता है वो है मैथ्स को कैसे पढ़ते हैं वो तरीका नहीं पता। 90% स्टूडेंट्स को ये लगता है मैथ्स का मतलब है रटना, क्योंकि तुम एसएसटी में रटते हो, साइंस में रटते हो, तो तुम्हें लगता है मैथ्स भी रटी जाती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आज के समय पर शायद तुम फेस कर रहे होगे, जैसे कि क्या भैया एनसीईआरटी इनफ है या फिर और बुक्स लगानी पड़ेंगी, जैसे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल। भैया क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है? भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बहुत बार तुमसे होता होगा कि क्लास के दौरान तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होगे, बट जब तुम घर में आते हो तो वही क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता, या फिर एक नया क्वेश्चन तुम सोच नहीं पाते कि इस क्वेश्चन के बारे में सोचा कैसे जाए, या फिर फॉर्मूला याद नहीं होते। कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड, आज एक वीडियो के अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स को समाप्त करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मेंटोर और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा क्लास 9th और क्लास 10th का चैनल। देखो यार, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। तुम सभी का एक डाउट था कि भैया मैथ्स कैसे पढ़ी जाए, ये बताओ यार, मैथ्स बहुत हमसे हो ही नहीं पा रही। मैथ्स के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं ना, ये सारे तो कवर कर ही लूंगा। अगर तुम्हें मैथ्स में कोई भी डाउट आता है ना, तो वो डाउट भी कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। बट सबसे पहला पॉइंट, मैथ्स एक कन्या की तरह है। मैथ्स कन्या मतलब लड़की की तरह। क्यों? जैसे कि अगर आप कन्या को टाइम नहीं दोगे, लड़की को टाइम नहीं दोगे, तो आपसे शायद वो नाराज हो जाएगी। सेम आपकी मैथ्स होती है। अगर आप मैथ्स को टाइम देने को मेरे भाई तैयार नहीं हो, अगर तुम बोल रहे हो कि भैया यार हमें तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि मैथ्स में दो दिन में सीख जाऊं, नहीं होगा, मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे। मैथ्स को टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट भैया कैसे प्रैक्टिस करें, तो बता रहा हूँ सारी चीजें, चीजों को ध्यान से सुनना और नोट करते चलना। और फिर से बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे प्रशांत भैया की वीडियो है, तो खाना खाते टाइम इसे ना देखें, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ, इंपॉर्टेंट जो भी लगता है उसको नोट कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी एक मदद करता हूँ। तुम क्लास 9th या फिर क्लास 10th के एक स्टूडेंट हो गए, तो तुम्हारे लिए मैंने क्या करा है, पूरी मैथ्स को तोड़ दिया है, पूरी मैथ्स को खोल दिया है, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो। मैंने तीन पार्ट्स में पूरी मैथ्स को खोल दिया है। क्या कुछ चैप्टर्स हमारे होते हैं इजी पोर्शंस, आसान वाले, कुछ होते हैं हमारे मॉडरेट पोर्शंस। मॉडरेट पोर्शंस कौन से होते हैं, जिन थोड़े से टफ होते हैं, हमें उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो याद रखना, जितने भी इजी चैप्टर की आज मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा, जितने भी इजी चैप्टर्स हैं वो अगर तुम एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तो भी इनफ होगा। जितने मॉडरेट चैप्टर हैं उनको तुम अगर एक्स्ट्रा किताबों से पढ़ोगे तो इनफ होगा, और जो प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं उनके लिए तुम्हें कुछ किताबें लगानी पड़ेंगी, जैसे कि आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, वहां से तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए आज लेकर आ गया हूँ, चैप्टर का बायरिफिकेशन पूरा लेकर आ गया हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की, क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 9th की भी बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर। क्लास 10th के स्टूडेंट इसको नोट कर लेना, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम पे इसकी पूरी पीडीएफ आज रात तक आ जाएगी। तो इजी पोर्शन में आपके सारे हैं, रियल नंबर, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ सर्कल। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे भैया हम सीबीएसई बोर्ड के, हम आईसीएसई बोर्ड के, हम एसएससी बोर्ड के, हम और किसी बोर्ड के हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए भी है? हाँ, तुम्हारे लिए भी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर सारे चैप्टर्स लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर केवल सीबीएसई वाले मैथ्स के चैप्टर नहीं लेकर आया हूँ, मैं यहाँ पर सारे चैप्टर लेकर आया हूँ। तो तुम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, कौन सा नहीं है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो कि सीबीएसई के सिलेबस के अंदर नहीं होंगे। तो डरने की बात नहीं है, मैं सारे चैप्टर्स का स्टैट्स लेकर आया हूँ। जैसे कि सारे चैप्टर हैं जो तुम्हारे क्लास 10th के अंदर इजी पोर्शंस के अंदर आते हैं, ये चैप्टर्स आसान होते हैं, इनके अंदर अगर तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करोगे तो भी काम चलेगा। अब ये रहा हमारा मॉडरेट पोर्शन, इन पोर्शंस की तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ये केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा। अभी प्रैक्टिस कहां से करनी है वो सारी चीज मैं बता दूंगा। ये सारे चैप्टर्स हैं, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो कि शायद सीबीएसई के सिलेबस में ना हो, शायद आईसीएसई के सिलेबस में ना हो, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं सारे चैप्टर्स को उठाकर लिया हूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। उसके अलावा हमारे जो टाइम टेकिंग पोर्शन है वो है, ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री और एपी। ये आपको पता ही है कि ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में कितना आपको टाइम लगता है। तो ये सारे मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए क्लास 10th वालों को। अभी मैं दिखा देता हूँ क्लास 9th वालों के लिए इजी पोर्शन हमारे ये होने वाले हैं। इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, तो यार आराम से वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी नोट करना है तो तुम देख सकते हो, ये हमारा इजी हो गया। और ये हमारा क्या है, टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग वालों में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहां से प्रैक्टिस करेंगे वो भी बताऊंगा, बट मेजरली प्रैक्टिस हमें आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल से करनी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे हमारे रिसोर्सेस, भैया पढ़ना तो है बट पढ़े कहां से, बड़ी बड़ी दुविधा है, प्रैक्टिस कहां से की जाए, अभी समझाऊंगा। चीजों को ध्यान से सुनना, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाली जहां पर पूरी डिटेल में तुम्हें समझाया गया हो। देखो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को पकड़ लेना है, एनसीईआरटी को उठाना है, ढंग से पढ़ना है, रीड नहीं करना, समझना है और प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे एग्जाम्पल।
सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एग्जांपल से, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म होती है उसके बाद तुम उठाओगे एक दूसरी किताब एनसीईआरटी एग्जांपलर, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऑनलाइन फ्री में मिलती है, वहां से तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें एनसीईआरटी एग्जांपलर अच्छी नहीं लगती तो उसकी जगह तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं भी तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी चीज लॉन्च करने वाला हूं, कुछ दिन में तुम्हें पता चलेगा, तो ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा या तो तुम आर डी शर्मा कर लो या तो तुम आर एस अग्रवाल कर लो, दोनों में से कोई भी, बट दोनों किताबें साथ में नहीं उठानी, मतलब नहीं उठानी, इस बात को दिमाग में डाल लो। बहुत होशियार बच्चे दोनों किताबें करने लगते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। और फाइनल स्टेप लास्ट में क्या करना है, सैंपल पेपर। अब ये सैंपल पेपर तब करना होता है जैसे कि जब तुम्हारे एग्जाम में 2 महीना है 1 महीना है तब की बात है, तो आखिरी में वो तुम कर लेना, उस टाइम पे उस टाइम की वीडियो में बना दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है, जितने भी इजी चैप्टर्स हैं अगर आप उनके लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपलर करोगे इनफ होगा, जितने भी मॉडरेट हैं उनके लिए अगर आप एनसीईआरटी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर थोड़ी बहुत आर डी शर्मा करोगे इनफ होगा, बट जितने भी टाइम टेकिंग है उनके लिए तुम्हें आर डी शर्मा उठानी पड़ेगी, आर एस अग्रवाल उठानी पड़ेगी, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन ही नहीं बनते अब क्या करें, ये सवाल नहीं बन पाते यार हमसे, तो यार हम नया सवाल देखते तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, इसकी क्या टेक्निक है। टेक्निक ध्यान से सुनना, सबसे पहली टेक्निक है कॉन्फिडेंस ट्रिक। कॉन्फिडेंस ट्रिक क्या होती है, देखो यार अगर इमेजिन करो कि यार तुम स्केटिंग में ना बहुत बार गिरते हो, स्केटिंग करिए, चलो स्केटिंग को छोड़ते हो, तुम साइकिल चलाने में बहुत बार गिरते हो, तो अगर तुम्हें साइकिल चलाना सीखना है ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुमसे 4 लोग आकर ये बोल देंगे ना कि यार तू तो यार बहुत अच्छी साइकिल चला सकता है, अगर तुम्हें कुछ लोग अगर बोलेंगे ना कि यार तू तो काम बहुत बढ़िया करता है, तो तुम्हारा उस काम में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो सेम मैथ्स में हमें करना है, देखो करना क्या है ना, हमें स्टार्ट मैथ को इजी चैप्टर से करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट ही मैथ को करेंगे ट्राइंगल से, अरे बेवकूफ हो, ट्राइंगल इतना टिपिकल चैप्टर है कैसे होगा, मूर्ख वाली हरकतें नहीं करनी। हमें क्या करना है, आसान चैप्टर को उठाया, रियल नंबर जैसे चैप्टर को उठाया, उसकी एनसीईआरटी करी, उसकी एनसीईआरटी करोगे तो तुम्हें लगेगा मैथ्स तो आसान है, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, फिर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर, ऐसे स्टार्ट हार्ड से नहीं करना, स्टार्ट आसान से करना है, तभी जाकर कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। अगली टेक्निक क्या है, रटना नहीं होता, ये चीज मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अगली टेक्निक सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे मैं देखा है मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, भैया वन में आर डी शर्मा खोल लेता हूं, क्वेश्चन देखता हूं और उसके उसका सोल्यूशन होता है उसको पढ़ लेता हूं। अरे मूर्ख क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते, हमें क्या करना होता है, पहले हमने क्वेश्चन देखा फिर सॉल्व करो, जब सॉल्व ना हो तो सॉल्यूशन देखना, क्या बेवकूफी वाली हरकतें करते हो। और लास्ट मेथड एनालाइज करो, मतलब बहुत बार सवाल तुमसे सॉल्व नहीं हो पाया, फिर तुमने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन को एनालाइज करो कि यार मैंने क्या सोचा था और बुक में क्या लिखा है, मैंने कहां पर गलती करी, क्या मुझे फॉर्मूला आता था, अगर फॉर्मूला आता था तो कॉन्सेप्ट में मैंने क्या नहीं समझा था। एनालाइज एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन अगर नहीं बनते तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट हमारा मेथड है फॉर्मूला बुकलेट। अब देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं होते तो फॉर्मूला बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एएक्सपीएफ की टीम ने फ्री में अवेलेबल करवा रखी है, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा टेलीग्राम को स्क्रॉल करना ऊपर आपको बुकलेट मिल जाएगी, बहुत शानदार बुकलेट है, फ्री में हमने सबको दे रखी है। और फाइनल टिप्स क्या है, प्रशांत भैया की फाइनल टिप्स पहली है कि भैया प्रैक्टिस से ही होगा, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया मैथ्स इज लाइक अ सुंदर कन्या है ना, तो प्रैक्टिस से ही होगा। उसके अलावा स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड भी रखनी है एक्यूरेसी भी रखनी है, मतलब तुम्हें क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करना है, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा रहे हो, नहीं स्पीड इंक्रीज करो। और एक्यूरेसी का मतलब वही है कि यार देखो क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है वो भी करेक्टली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना मैथ्स के अंदर आधी कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्या करेंगे, देखो उठाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा है ना, फॉर्मूला वगैरह लिखा सॉल्व करा और लास्ट की जो कैलकुलेशन है ना उसको छोड़ देंगे और सोचेंगे आंसर तो हमारा सही होगा। अरे मूर्ख क्या कर रहा है, कैलकुलेशन नहीं छोड़नी हमें, हमें क्या करना है लास्ट तक पूरा कैलकुलेट करना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट में जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना और तुम देखोगे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, कैलकुलेशन की वजह से। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अभी से करने लग जाओ, सारे क्वेश्चंस को पूरे पूरे सॉल्व करो। अगला क्या है, ट्राई एवरी न्यू क्वेश्चंस, मतलब जितने भी तुम नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मतलब जितना तुम्हारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग ट्राई न्यू क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन करे जा रहे हैं। भैया वो ट्रायंगल का ना वो कॉन्ग्रेंसी वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लग गया तो मैं फिर 50 क्वेश्चन उसी के कर रहा हूं, अरे नहीं यार हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन करने, जैसे एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलरली हमें भी अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करते रहने। और एक लास्ट, और तुम्हें इस वीडियो से एक चैलेंज में दे रहा हूं कि हम क्या करेंगे, डेली 10 सवाल कर रहे होंगे, डेली 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ, चाहे उसमें फिर तुम्हें आधा घंटा लगे 15 मिनट लगे 1 घंटा लगे मुझे नहीं पता, बट डेली
10 क्वेश्चन हम मैथ के करेंगे। क्या तुम तैयार हो इस 10 क्वेश्चन को करने के लिए? तो आज कमेंट में करना कि हाँ भैया 10 क्वेश्चन डेली मैं करूंगा यार अब से मैथ का। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स अच्छे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो डेली 10 सवाल ट्राई करेंगे हम मैथ्स के हर रोज आज से एक महीने तक हमें करना है। एक महीने तुम देखोगे मैथ्स में तुम महारत हासिल कर लोगे और फिर 100 नंबर लाने से भी तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी हमारी मैथ्स की टेक्निक, सारी चीजें तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, सारी चीजें तुम्हें समझा दी है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, तुम्हें जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करी है एंड रिसोर्सेज तुम्हें सारे फ्री में दे दिए हैं। तो ऐसी मदद हम करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मैं ये तो कभी बोलूंगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं हाँ ये जरूर बोलूंगा कि अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिसको मैथ्स नहीं आते, जिसको मैथ्स में डर लगता है। अगर तुम्हारा कोई स्टूडेंट है, तुम्हारा कोई दोस्त है 9th या 10th वाला, उसको समझ नहीं आता मैथ्स में, तो यार उसको शेयर करो। प्रशांत भैया ने एक टेक्निक बता दी है पूरी, इसको फॉलो कर मैथ्स में 100 में से 100 नंबर पक्का। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।